फ्रेंड्स 14,000 रुपीज़ के अंदर कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए ये लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आसूस उसका आसूस जेनपन मैक्स प्रो M2 लॉन्च किया एंड उसके कुछ दिन पहले रियलमी उसका रियलमी 2 प्रो लॉन्च किया एंड दोनों फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 के साथ इंडिया में आता है एंड काफ़ी पॉपुलर भी है। लेकिन गाइस चाइना में लेनोवो उसका लेनोवो Z5S लॉन्च कर दिया है जो कि इन दोनों फोन का बाप है, क्योंकि बैकसाइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट के साथ आता है वो भी 14,000 रुपीज में, तो काफी कमाल का स्मार्टफोन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया में अभी आपको आसूस या रियलमी खरीद लेना चाहिए या लेनोवो Z5S के लिए वेट करना चाहिए, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे कर दोगे। गाइस मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुमन टेक्नो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स बात करते हैं तीनों फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। रियलमी 2 प्रो में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, लेकिन गाइस ग्लास जैसा फील होगा। फ्रंट साइड में ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा। गाइस Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको ग्लास पैक तो नहीं दिया है, लेकिन गाइस ग्लास जैसा फील होगा, काफी अच्छा प्रीमियम लुक भी देता है। फ्रंट साइड में सिंपल छोटा सा नॉच मिलेगा। लेनोवो Z5S में आपको देखने को मिल जाएगा ग्लास बैक, जिस एंगल से देखोगे काफी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट साइड में ड्यू ड्रॉप या कि वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, जैसे कि Realme 2 Pro में देखने को मिला था। तो तीनों फोन का डिजाइन काफी अच्छा है। इस डिस्प्ले के बारे में बात कर दूंगा, इस Realme 2 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, और गाइस Asus में देखने को मिल जाएगा 6.26 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले। लेकिन गाइस यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दिया है, यानी कि काफी अच्छी बात है। 15,000 रुपीज के अंदर ये पहला स्मार्टफोन है जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन दे रहा है, तो काफी अच्छी बात है। एंड गाइस Lenovo Z5S में देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। गाइस बात करते हैं तीनों फोन की प्रोसेसर के बारे में। Asus ZenFone Max Pro M2 एंड Realme 2 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। लेकिन गाइस Asus में जो 660 यूज किया गया है वो अंडर क्लॉक्ड है, यानी कि 1.95 GHz में रन करता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा लो मिलेगा Realme 2 Pro से, क्योंकि यहां पे जो रन करता है 2.2 GHz में। गाइस दोनों का जो GPU है Adreno 5.2 GPU, तो गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में बेटर मिलेगा। इस Lenovo Z5S में देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, 2.2 GHz में रन करता है। इसका जो GPU है Adreno 616 GPU, तो गेमिंग परफॉर्मेंस धांसू मिलेगा Lenovo में, एंड यहां पे Lenovo विनर रहता है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस वाला किसी भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो 14,000 रुपीज में, तो आपके लिए Lenovo बेस्ट है। गाइस बात करते हैं कैमरे के बारे में। गाइस Realme 2 Pro में आपको 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूएल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 अपर्चर के साथ आता है। और गाइस Asus में देखने को मिल जाएगा 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूएल रियर कैमरा, जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर होगा सोनी की सेंसर सोनी IMX485। इसका जो अपर्चर है 1.8 अपर्चर के साथ आता है, यानी कि लो लाइट में काफी अच्छा पिक्चर भी देखने को मिलेगा। गाइस Lenovo Z5S में देखने को मिल जाएगा 16+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का एंड जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, एंड गाइस जो ट्रिपल कैमरा यानी कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा वो डेप्थ एनेबल करने के लिए है। गाइस बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। तो गाइस यहां पे Realme 2 Pro एंड Lenovo Z5S में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, वहां पे Asus में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो गाइस यहां पे रियर साइड में कैमरा में विनर रहता है Lenovo Z5S, एंड फ्रंट साइड में कैमरा में बिल्कुल विनर रहता है Realme 2 Pro एंड Lenovo। गाइस बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। गाइस Lenovo Z5S में आपको देखने को मिल जाएगा 3 वेरिएंट, 4GB 64GB 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। Asus में आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 3GB 32GB 4GB 64GB एंड 6GB 64GB। Realme 2 Pro में आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 64GB एंड 8GB 128GB। गाइस आप बात करते हैं बैटरी के बारे में। गाइस यहां पे बैटरी में बिल्कुल किलर रहता है Asus, क्योंकि यहां पे आपको 5000mAh की बैटरी दिया है, आपको लगभग 2 दिन तक चल जाएगा, तो काफी अच्छी बात है। एंड Realme 2 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 3500mAh की बैटरी, एंड दोनों फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, USB टाइप 2 के साथ मिलेगा। लेकिन गाइस Lenovo Z5S में आपको देखने को मिल जाएगा 3300mAh की बैटरी, साथ ही साथ USB टाइप सी के साथ मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ,
तो काफी अच्छी बात है। गाइस बात करते हैं प्राइस के बारे में। गाइस Realme 2 Pro का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14,000 रुपीज में इंडिया में मिलता है एंड जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट 16,000 रुपीज में एंड 8GB 128GB वाला वेरिएंट 18,000 रुपीज में इंडिया में देखने को मिलता है। एंड Asus का जो 3GB 30GB वाला वेरिएंट वो आपको 13,000 रुपीज में एंड जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 15,000 रुपीज में एंड जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट 17,000 रुपीज में इंडिया में लॉन्च किया है। एंड गाइस जो Lenovo Z5A जो चाइना में लॉन्च हुआ है अगर इंडियन में कन्वर्ट किया जाए तो गाइस इसका जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट 14,400 रुपीज में देखने को मिलेगा, यानी कि 14,000 रुपीज में किलर है। और गाइस जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट 16,000 रुपीज में एंड जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट 18,000 रुपीज में इंडिया में देखने को मिल सकता है, इसी प्राइस में चाइना में लॉन्च हुआ है। गाइस आप बात करते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है। गाइस अगर आप किसी भी कैमरा वाला स्मार्टफोन, किसी भी गेमिंग परफॉर्मेंस वाला, लुक वाला, डिजाइन वाला, ओवरऑल पैकेज आप चाहते हो 14,000 रुपीज में एक किलर डिवाइस, तो आप Lenovo के लिए रुक सकते हो। काफी किलर डिवाइस है क्योंकि यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट दिया है जो काफी पावरफुल चिपसेट है। गाइस इंडिया में अभी Asus एंड Realme काफी अच्छा फोन है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन गाइस अगर आप Lenovo के लिए इंतजार कर सकते हो तो इंतजार कर लीजिए, काफी अच्छा फोन है। अगर आपके दोस्त या कोई भी रिश्तेदार चाइना जा रहा है वहां से मंगा सकते हो तो मंगा लो, काफी कमाल का स्मार्टफोन है, मैं तो 100% रिकमेंड करूंगा। ऐसे भी सबके लिए अलग अलग होता है, आपको कौन सा फोन पसंद है इन तीनों फोन से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे लगता है यहाँ पे Lenovo बिल्कुल किलर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं इस तरह में लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।